एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा है टाइम 2:10। तो गुड आफ्टरनून। और आज ना मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो लाई हूँ, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर है, मुझे बहुत दिनों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, बट मेरे पास ना एक चीज़ नहीं थी, तो इस वजह से मैं जो है वीडियो नहीं शूट कर रही थी। तो वो चीज़ है ये वाली, ये देखिए। तो उन्होंने बोला था कि मुझे ना बन बनाना है, और बन बनाने के बाद ये वाला जो नेट होता है वो मुझे लगाना है। तो मैंने ये मार्केट से लाया है आज, और कल लाए थे राज के पापा ने, मतलब मैंने गई थी, राज के पापा ही गए थे। तो ये कल लाए थे वो, तो वो थोड़ा सा मतलब छोटा था, नहीं तो मैं वीडियो कल ही शूट करने वाली थी। और मेरे हेयर जो है थोड़े थीक है, और बन बहुत ही बड़ा बन जाता है, तो उसमें वो आ नहीं रहा था, इस वजह से मैंने वो जो है चेंज कर दिया है और ये लेके आ गए हैं आज। तो पता नहीं ये भी मेरे हेयर में फिट होता है या नहीं, मैंने इसे ट्राई तो नहीं किया है अभी तक। और हाँ, मेरे वीडियो पर जाने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो ना फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो तो पसंद आने ही वाला है, तो उस वीडियो देखने से पहले एक लाइक तो ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मुझे जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी ना, उनका नाम है ललित। तो उन्होंने बोला था कि मुझे जो है हेयर, अपने हेयर कॉम करना है, कॉम करने के बाद मुझे हेयर बन बनाना है, और मतलब बड़ा सा एक बन बनाना है यहाँ पर, और ये नेट जो है उस पर टक कर लेना है, लगा लेना है। तो मैंने सोचा यार ये क्या रिक्वेस्ट है, बट जो है सो है। अभी किसी किसी की चॉइस अलग होती है, उनको ये वाला अच्छा लगा होगा तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट कर दिया, तो कोई बात नहीं। मैं पहले बहुत सोच रही थी यार करूँ या ना करूँ, बट मैंने सोचा चलो यार इतने लोगों की रिक्वेस्ट मैं पूरी कर रही हूँ, तो इनकी भी कर देते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा बकबक ना करते हुए हम हमारी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और उन्होंने बोला है कि मुझे जो है अपने हेयर को पार्ट, मतलब यहाँ से पार्ट नहीं निकालना है, ना ही टेढ़ा ना ही सीधा, कोई नहीं। तो मुझे तो मतलब ऐसे हेयर ना अच्छे नहीं लगते हैं मेरे फेस पर, पूरा मुझे सीधा अपना हेयर कॉम्बिंग करना है। मेरा जो बेडरूम है वहाँ पर बैठ के शूट कर रही थी, बिकॉज आगे के रूम में ना राज के पापा ने टीवी चला रखा है, और बहुत ज़ोरों से कूलर का भी आवाज़ आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो यार पीछे बेडरूम में चलते हैं। तो मैं बेडरूम में आ चुकी हूँ।
ये देखिए मैंने जो है जुड़ा बना लिया है और ललित जी की रिक्वेस्ट मैंने आज पूरी कर दी है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और न्यू हो तो सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर दीजिएगा। और आपकी अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।